My apologies. I just finished my Vastu class. So I was just taking 2 minutes ka break. So let us quickly pray. Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. So the questions would be taken in the end. We have two parts of the session. First part, we will talk about relevance of Makar Sankranti. And the second part is about jo transition of Surya hua hai. Surya is changing its zodiac sign. So what it depicts, how it affects us, we will talk about that, okay? So hands on our heart. Inhale slowly, exhale slowly, center yourself. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meiling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, angels of astrology, angels of learning, angels of internet, angels and Lord Surya, we invoke for your blessings. May this session be filled with lot of knowledge, intelligence, illumination. May all the participants be blessed with lot of prosperity, abundance, happiness, joy, good luck energies, spirit qualities, divine protection, divine guidance, divine mercy, and divine help. Thank you, angels of internet, for helping us have a smooth running session. Thank you all the beings for being present here, for guiding us and helping us. Thank you in full faith. Atma Namaste. So thank you all for coming and joining the session. So आज का session mostly हिंदी में होगा. किसी को कोई problem हो तो please आप type कर लें. Hello, hello. Wait, I'll send you. Sorry, कोई कोई लोग unable हो रहे हैं join करने के लिए. ओके, सो मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है या पहले हम वर्ड संक्रांति को समझते हैं. तो एज वी नो सूर्य, वैसे तो सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पर ज्योतिष में हम लोग ऐसा मानते हैं कि धरती तो स्थिर है, सूर्य उसके आसपास घूम रहा है. तो 12 राशियां हैं. सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि की तरफ संक्रमण करता है, शिफ्ट होता है, उसको संक्रांति बोलते हैं. और अभी सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है. From Sagittarius to Capricorn, it is moving there. So what is so special? What is so special right now? That इतना बड़ा बात हो रही है, इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली. सो इन इंडिया, यस थैंक यू, उत्तरायण हो रहा है. सो जैसे कि चंद्रमा की वजह से दो डिविजन्स होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सेम वे सूर्य की वजह से भी दो डिविजन हो रहे हैं, उत्तरायण कृष्णायण. उत्तरायण क्या हुआ? उत्तरायण वो टाइम है जो ठंड का सीजन खत्म, विंटर का सीजन खत्म, एंड सन इज एंटरिंग इनटू अ स्टेट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, और अपनी पूरी ऊर्जा को लेके सूर्य इधर उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं. और उत्तरायण बहुत ही शुभ फेज माना जाता है. क्यों माना जाता है शुभ? क्योंकि सूर्य पूरे तेज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है. तो 14 जनवरी से द सन स्टार्ट्स गेटिंग इट्स फुल लाइट, फुल एनर्जी, जो पीक पे अप्रैल में पहुंचती है. ओके, हाईएस्ट उस समय होती है. बट एज यू नो व्हाट इज लाइट, लाइट इज एक्सपेलिंग डार्कनेस. सो दक्षिणायन का अंधेरे को हटा के सूर्य लाइट की तरफ बढ़ रहा है.
तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इतना बढ़िया बोला है कि जो लोग इस सूर्य की रोशनी से अपने इस शरीर का त्याग करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। ओके, सो एक ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन इस बार हिंदी में स्लाइड्स है सारी, बिकॉज ये हिंदू पर्व है, सो द स्लाइड्स आर हिंदी एंड द क्रेडिट गोज टू माय लिटिल नीज जिसने बनाई है सारी स्लाइड्स। सो मकर संक्रांति, सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व इसलिए अधिक माना गया है क्योंकि ये माघ का महीना है, तो हिंदू जो कैलेंडर है उसमें ये बहुत ही विशेष और ऑस्पिशियस मंथ होता है। जब हम पूरी कहानी सुन लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये इतना इसकी रेलेवेंस है। सो यू कैन टेक द पिक्चर्स एंड गो थ्रू द स्लाइड्स लेटर। सो मकर संक्रांति में एज वी सेड मकर इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में सूर्य आ रहा है इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। वही सब लिखा है जो मैंने आपको बोल के बताया। देन इन ईयर, सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, एज अबव सो बिलो। तो जो यूनिवर्स में हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो रहा है। वही जब मैं एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स एंड चक्रा की बात करती हूँ वो सब हमारी बॉडी में ही होता है। तो सिंस आर अर्थ इज टिल्टेड ऑन 23 डिग्रीज एक्सिस, एक चार जोन्स बनते हैं, सूर्य के चार जोन्स आते हैं जहां विंटर सोलस्टिस, समर सोलस्टिस, इक्विनॉक्सिस फॉर्म होते हैं। तो ऐसे चार जोन्स होते हैं जो 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर को होते हैं। तो ये एक खगोलीय घटना भी है। ओके, सो 12 राशियों में सूर्य घूमते हैं, तो अभी वो मकर राशि में पहुंचे हैं। नाउ ये भी मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा दो भागों में, चंद्र से कृष्ण और शुक्ल पक्ष मिलता है, वैसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में सूर्य धरती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है सूर्य, इसलिए ही इज मूविंग टुवर्ड्स लाइट। सो एज आई टोल्ड यू, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय होती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता, वो डेथ, बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाता है, ही मूव्स टुवर्ड्स सेल्वेशन। सो भीष्म पितामह, अगर आपको याद है कि अर्जुन ने महाभारत में ये आता है कि अर्जुन के तीरों से घायल हो के तीरों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए होते हैं और उनको ये वरदान होता है कि वह अपना इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला होता है। तो वो 14 तारीख को, 14th जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन अपने देह का त्याग करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट auspicious day. इसलिए वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये भी बोलते हैं कि ये जो 6 months है, from 14 Jan to 14 July, I think so, इसमें अगर किसी भी सोल की डेथ होती है तो वो मोक्ष की तरफ होता है, और उसके बाद जो दक्षिणायन वाला फेज में जाते हैं उनको रीबर्थ लेना है, कुछ तो उनका करना है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, नहीं तो
बसंत ऋतु है इस समय, नई फसलें उनकी खुशी मनाते पंजाब में, सो दे सेलिब्रेट लोहड़ी। सो यहाँ पे दिया गया अलग अलग जगह ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इन पंजाब लोहड़ी मनाई जाती है और केरला में पोंगल मनाया जाता है और सिंधी वाले लाल लोही मनाते हैं और राजस्थान में ऑल द लेडीज दे गिव 14 थिंग्स एज अ, उसको बोलते बायना, 14 सुहाग की चीजें देते हैं क्योंकि ये पर्व दान पुण्य का भी है। अभी इसकी भी बात करेंगे। इस दिन हम गुड़ और तिल का सेवन करते हैं। अगर आयुर्वेद में माने तो गुड़ एंड तिल गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। गुड़ वार्मथ देता है, तिल स्ट्रेंथ देता है और कपा जो रोग होता है, कफ से रिलेटेड, उसमें भी रिलीफ देता है। तो जो सर्दी का मौसम है उसमें ये तिल और गुड़ खाना पौष्टिक रहता है, इसलिए तिल और गुड़। देन इस दिन स्नान दान पुण्य और पूजा का है। आप इस स्लाइड का वो ले लीजिए, मैं आपको इसका स्टोरी सुनाऊंगी बहुत अच्छी सी, स्लाइड्स को बंद करके। पतंग काइट फेस्टिवल इट इज, सो आई हैव अ ब्यूटिफुल रेमेडी रिलेटेड टू दिस काइट। वॉट यू ऑल कैन डू, कल एक पतंग ले, उस पतंग पे अपनी प्रॉब्लम लिख दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, एंड अपने घर का जो भी पर्सन पतंगे उड़ाता है उसको बोलो वो पतंग उड़ाए और प्रे करे कि वो पतंग आपकी कट जाए। सो अगर आपकी वो पतंग कट जाती है, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म। सो दिस इज अ रेमेडी ऑफ मकर संक्रांति। तो ये महाभारत में, अब यहाँ पे ये आप ये पिक्चर ले लें, मैं स्टोरी स्क्रीन बंद करके बताऊंगी। ओके, यू कैन टेक द पिक्चर्स। सो एक और चीज होती है हमारे हमारे जो पुराना काल था, आदि काल में क्या हुआ, गंगा जी भागीरथ मुनि के घर आती हैं और उनके सारे पितरों को धो के उनका तर्पण होता है। सो सारे पितर इस जो होता है ना, ये अपना कर्मा की थ्योरी से बियॉन्ड हो जाते हैं, उनको सब पितरों को मोक्ष मिल जाता है, फिर ये गंगा जी गंगा सागर में विलीन हो जाती है। इसलिए आज के दिन कुंभ में मेला भी लगता है और मकर संक्रांति एंड गंगा सागर जाके नहाना, तो पुष्कर में जहां भी होली वाटर्स है, बिकॉज आज के दिन बहुत कॉस्मिक एनर्जी हाई है, कॉस्मिक वाटर में भी एनर्जी वाटर में भी बहुत है। सो आज के दिन नहाना बहुत शुभ रहता है, अपने पूर्वजों का तर्पण करना, श्राद्ध करना भी आज के दिन अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ गंगा जी आए थे और भागीरथ जी के पूर्वजों का उन्होंने श्राद्ध करने में मदद की, इसलिए। सो यहां से हमारा एक तरह से हिंदू कैलेंडर भी शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर तो नहीं होता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर तो जब नवरात्रि आएगी अपना हो तब से होगा, बट जो सूर्य में एनर्जी आ गई तो अब धीरे धीरे सूर्य में एनर्जी बढ़ेगी। और सूर्य क्या है, सूर्य इज लाइट गिवर, सूर्य इज हमें वाइटालिटी, आरोग्यता, हर चीज हमें सूर्य देते हैं। ये आपके लिए कल का टाइम है, दान पुण्य करने का सारा कुछ मैंने आपके लिए बना दिया है। अब कल एक और विशेष बात हो रही है, तो संक्रांति एक देवी थी जिन्होंने पिछले मतलब बहुत सालों पहले कुछ डीमंस का नाश किया था और वो एक अलग स्टोरी है, बट हर साल जैसे इस बार लक्ष्मी जी भी एक वाहन पे सवार होके स्पेशल आई थी, वैसे ही संक्रांति इस बार उनका वाहन सिंह है और उपवाहन गज है और सफेद कपड़े और बहुत ही अच्छे गेटअप में आ रही हैं, तो
लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, लॉट ऑफ अबंडेंस लेके आ रही है. सो इट इज शुभ दिस टाइम. आज कल के दिन जो भी दान हम करेंगे वो अक्षय होगा, बहुत ज्यादा उसका पुण्य मिलेगा. ये भी, ये पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी क्विकली. लेट अस, यू कैन टेक द पिक्चर्स. तिल का दान भी आज क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी. कंबल, खिचड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दान देने के लिए. सो यहां हम उड़द की दाल यूज करेंगे, नॉट मूंग की दाल. ओके, घी, वस्त्र, गुड़, और ये सारे जोडियक साइंस के अकॉर्डिंगली डोनेशन है. यू कैन टेक अ पिक्चर एंड लेटर यू कैन थिंक कि आपको क्या क्या डोनेट करना है. ओके, डू वी हैव टू डू दीज डोनेशंस टुडे ओनली और टुमारो? इज टुमारो मकर संक्रांति ना? इट इज टुमारो. आई होप एवरीबॉडी हैज टेकन द पिक्चर. Yeah, thank you. Okay. Now let us come to the story part. Ma'am, 7, 8, 9 number. Sharda ji, aap logon ne miss kar liya. Yes. Oh. So last mein, ab aapko rukna padega session mein, okay? In the end, I will share the screens because a lot of things I have to discuss today. So okay, let me tell you quickly a story ki अगर जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है मेरे से तो उन्हें पता है कि सूर्य और शनि की दुश्मनी है. अब ऐसा क्यों हुआ? सूर्य भगवान की शादी होती है संज्ञा से. अब सिंस सूर्य इतने तेज वाले हैं, मैं क्विकली सुनाऊंगी ये स्टोरी क्योंकि मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बहुत आराम से ये स्टोरी सुनाती हूँ. सो सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, सूर्य का इतना तेज, इतना प्रताप कि संज्ञा उनके साथ नहीं रह पाती है. तो संज्ञा सोचती है, लेट मी गो समवेयर, डू मेडिटेशन, एक्वायर सम लॉट ऑफ तप और खुद भी अर्जित करूं ताकि मैं अपने पति के साथ आसानी से रहूं. बट शी वॉज लाइक कि अपने हस्बैंड को कैसे बोल दूं कि मैं आपके साथ नहीं रह पा रही, ही विल फील बैड. सो वो अपनी एक शैडो क्रिएट करती है जिसको, जिसका नाम होता है छाया. और वो उस छाया को बोल के जाती है कि मेरे घर, मेरे बच्चों का तुम ध्यान रखना, मीनवाइल मैं तप करके आती हूँ. एंड शी गोज टू द जंगलों में चली जाती है अपना मेडिटेशन और सिद्धि करने. देन नाउ दिस छाया इज लिविंग हैप्पीली विद लॉर्ड सूर्य एंड मीनवाइल दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं. तो शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड जब बच्चा बॉर्न होता है, अब वो जो प्रेग्नेंट हो थी तब वो बहुत ज्यादा शिव भक्ति कर रही थी. सो शिव भक्ति करते करते शी वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर हरसेल्फ, अपना ध्यान वो बिल्कुल नहीं रख रही थी. इस वजह से जब उनके बच्चा बॉर्न होता है वो माल न्यूट्रिशंट बच्चा पैदा होता है. तो वो सावला सा, काला सा बच्चा बॉर्न हो जाता है. अब वो बच्चा कौन था? शनिदेव. तो अब सूर्य भगवान ने जब ऐसा बच्चा देखा, ऑब्वियसली सूर्य भगवान ऐसे गोरे तेजस्वी और उनका ऐसा बच्चा, तो ही डिनाइज, ही रिजेक्ट्स दिस बच्चा. ही सेज ये मेरा हो ही नहीं सकता. अब ये कितना बड़ी बात हो जाती है कि ये मेरा हो ही नहीं सकता. एनीवेज, तो छाया अपना दुखी हो जाती है. अब ओवर द इयर्स सूर्य भगवान इस बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं. तो जैसे ही वो शनिदेव बड़े होते हैं वो अपनी माता से इसका कारण पूछते हैं और जब माता उनको इसका कारण बताती है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं. तो उस गुस्से में वो एक तिरछी नजर अपने पिताजी पर डालते हैं जिसकी वजह से सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है, धीरे हो जाती है उनकी स्पीड. तो जैसे ही उनकी धीरे हो गई स्पीड, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है. अब सूर्य भगवान जैसे ही उनको ये पता चलता है, अब ये स्टोरी मैंने बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नहीं सुनाई है तो अब ये नहीं है. तो सूर्य भगवान जैसे ही अब देखते हैं कि ये बालक, इसने मेरे रथ को रोक दिया शनि,
तो जो काल पुरुष की कुंडली है हमारी एस्ट्रोलॉजी, उसमें शनि के पास दो घर होते हैं, एक होता है मकर राशि, एक होता है कुंभ राशि। अब सूर्य अपने घर में बैठ के, दैट इज सिंह राशि में सूर्य बैठे होते हैं, वो उनका घर है, वहां से वो अपने जलाने वाली दृष्टि से सामने होता है कुंभ राशि का घर, जो शनि का घर है उसको जला देते हैं, पूरा जला देते हैं। तो सिंस वो घर वो जला देते हैं, अब शनि क्या है, कर्मों के न्याय के देवता, तो सिंस सूर्य भगवान ने गलत कर्म किया, पहले तो अपनी पत्नी पे उन्होंने लांछन लगाए, फिर उन्होंने एक घर और जला दिया जहां उनकी पत्नी छाया और उनका पुत्र शनि रहते थे, आधे दिन वो यहाँ रहते थे एक्वेरियस में, आधे दिन कैप्रिकॉर्न में। तो इससे ये सब देख के उनके जो पुत्र है यम, सूर्य भगवान के पुत्र यम, वो इंटरवीन करते हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज बहुत क्विकली हो रहा है, तो यमराज आते हैं, वो सूर्य भगवान को समझाते हैं और उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे संज्ञा जंगल में चली गई, कैसे छाया, कैसे शनिदेव हुए हैं। अब जब सूर्य भगवान अपने बेटे का घर जलाते हैं, तो सिंस वो इतनी अग्नि और शनिदेव का भी रोष होता है कि उनको कुष्ठ रोग भी हो जाता है, तो उनपे, तो जिनका सूर्य पत्रियों में खराब होता है उनको स्किन डिजीज भी होता है। तो फिर यमराज आते हैं, यमराज हेल्प करते हैं उनको, उनका कुष्ठ रोग खत्म करते हैं, फिर वो शनिदेव को भी समझाते हैं, फिर वो यमराज अपने पिता सूर्य को समझाते हैं कि शनि की कोई गलती नहीं है पिताजी, आप उससे नाराज नहीं होए। तो फिर सूर्य देव ऑन मकर संक्रांति वाला डे गोज टू अपना शनिदेव का जो घर है मकर राशि, उसमें सूर्य भगवान जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है, क्यों? क्योंकि राजा जो है सूर्य, वो उस पुत्र के यहाँ जिसको उन्होंने कभी भी स्वीकारा नहीं था, उसके घर जा रहे हैं। अब शनि देव के घर जब पिता आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज क्रेविंग फॉर हिज फादर्स लव, तो ही इज वेरी हैप्पी। नाउ शनि देव के क्या हुआ, जो वो उनका एक्वेरियस वाला घर था, उस घर में सारा घर जल जाता है, सिर्फ काले तिल बच जाते हैं, तो वो या वो तिल बच जाते हैं जो काले हो जाते हैं, या काले तिल बच जाते हैं, उनको शनि देव अपने घर ले आते हैं मकर राशि। और जब सूर्य देव आते हैं तो अपने पिता का स्वागत में वो काले तिल अपने पिता को ऑफर करते हैं, तो सूर्य देव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और वो अपने शनि इस बेटे को ये वरदान देते हैं कि जब भी कोई काले तिलों का दान करेगा, कोई किसी को काले तिल देगा, उसको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी अबंडेंस मिलेगी, और तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया तो मैं तुम्हारा कुंभ राशि वाला घर को वापस धन धान्य से भर देता हूं। इसलिए कुंभ राशि चैरिटी की भी राशि है, इट्स फुल ऑफ, उसका जो सिंबल है एक मटका है, मटका विच इज गिविंग थिंग्स टू द वर्ल्ड। सो ये सूर्य भगवान शनिदेव को देते हैं, इसलिए इस दिन दान का महत्व है, वो भी काले तिलों का दान, क्योंकि काले तिलों का दान करने से सूर्य खुश होते हैं, प्लस शनि जो कर्मों के देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो कि सूर्य भगवान का अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश की स्टोरी थी। इसलिए मकर संक्रांति इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, दिस वॉज अ माइथोलॉजी स्टोरी। अब दो तीन चीजें मैंने आपको बताई दी, तो कंबल का दान क्यों, क्योंकि कंबल इज कंबल है एलिमेंट सैटर्न का, तो कंबल, काले तिल, तेल, जिनके भी साढ़े साथी चल रही है, तो मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, तो स्पेसिफिकली मकर एंड कुंभ राशि आप तेल का भी दान कर सकते हैं कल। गुड़ क्यों, क्योंकि गुड़ गुरुओं का कारण और सूर्य का वो है सिंबल है, तो गुड़ आप दान कर सकते हैं, तो गुड़ और तिल का दान कीजिए, और अगर आप दान करेंगे, डोनेशंस करेंगे, तो शनिदेव खुश होंगे, और शनिदेव क्या है, कर्मों के देवता। सो दिस वॉज अबाउट द स्टोरी, और भागीरथ वाली आपको बताई दी, इसलिए गंगा स्नान की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियसली वी कांट गो टू गंगा जी, तो घर में गंगा जल है,
तो सबसे पहले गंगा जल लीजिए किसी भी लाइक इन द मग और एनीथिंग, देन पुट द नॉर्मल वाटर एंड देन टेक बाथ. इट वुड बी एज गुड एज टेकिंग बाथ इन गंगा स्नान. देन सूर्य की आराधना करनी है हमको. और सूर्य की आराधना हमको कैसे करनी है? पहला तो सूर्य को जल चढ़ाना है. तो आज जो हम जल चढ़ाएंगे उसमें हम तिल भी डालेंगे, गुड़ भी डालेंगे, एंड देन वी विल गिव वाटर टू लॉर्ड सूर्य. देन हमें आज के दिन गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना है और आदित्य हृदय स्त्रोत्र. अब ये बहुत सारे लोग बहुत जगह बताते हैं कि आदित्य हृदय स्त्रोत्र करते हैं. आज मैं आपको बताती हूँ इस स्त्रोत्र का महत्व क्या है. आई एम सॉरी, आई एम गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज वी हैव लॉट टू डिस्कस एंड वी हैव वन आवर. एक्सक्यूज मी तुषार, ये जो सूर्य को जल चढ़ाना है इसमें काले तिल डालने हैं या व्हाइट वाले? इसमें जो आपके पास अवेलेबल है, काले तिल चढ़ा लोगे तो शनिदेव खुश हो जाएंगे, व्हाइट चढ़ा दोगे तो सूर्य भगवान. तो कोई से भी चढ़ा दे आप. ओके, वैसे कल का जो डे है ना वो काले तिलों का ही डे है मेनली, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में. ओके, सो बट हम एक और बात याद रखें, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको काले तिल मत दे दीजिएगा, नहीं तो एक कर्मा का आप उनके साथ क्रिएट कर लेंगे. उनको व्हाइट तिल गिफ्ट करिएगा. काले तिल हम देंगे गरीबों को, ब्राह्मणों को, मंदिरों में, सो दैट हमारा कोई भी कर्मा अगर गड़बड़ है तो वो हमें रिलीफ मिल जाए. नाउ वेयर वाज आई? आदित्य हृदय स्त्रोत. आदित्य, या थैंक यू. सो आदित्य हृदय स्त्रोत्र क्या है? ये एक ऐसा स्त्रोत्र है कि जब भगवान राम, ये वाल्मीकि रामायण में दिया गया इसका रेफरेंस, कि जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो फॉर आफ्टर सम टाइम ही गेट्स टायर्ड. अब डू यू थिंक भगवान थक सकते हैं? उनके लिए तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और रावण खत्म. बट सिंस उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया और वो दुनिया में धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये सारी लीला रची. ठीक है, अब ये आदित्य हृदय स्त्रोत्र अगस्त्य ऋषि उनके पास लाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये चैंट कीजिए तो फिर इसकी पावर से यू विल बी एबल टू डू संहार ऑफ रावण. सो राम भगवान आदित्य हृदय स्त्रोत्र की 3 बार चैंटिंग करते हैं. सो ऑफकोर्स इसका रेलेवेंस, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा तभी होगा जब हम 3 बार इसकी चैंटिंग करेंगे. और जब हम आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारे में आती है, पावर आती है टू डिफीट आवर एनिमीज. हमारे एनिमीज सब कुछ हो, कुछ कोई भी हो सकता है. पावर्टी हमारी एनिमी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ वाइसेस. सो ये वाल्मीकि रामायण में आया है. तो राम जी ने ये लीला क्यों रची? ताकि हमारे जैसे लोगों को वो एक स्त्रोत्र दे दे जिसको पढ़ने मात्र से वी कैन एक्टिवेट लॉट ऑफ एनर्जी इन अस. सो आदित्य हृदय स्त्रोत्र हमें कल पढ़ना है. तो हमें कल क्या क्या करना है? हमें नहाना है, हमें दान देना है, सूर्य को अर्घ देना है, आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ना है, अपने एंसेस्टर्स को भी नहीं भूलना है, उन्हें याद करना है, प्रणाम करना है. ऑफकोर्स अगर कोई तर्पण और ये विधि कर सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो वी कैन जस्ट रिमेम्बर देम एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स एंड ब्लेस देम एज वेल. सो दिस वाज अबाउट मकर संक्रांति. तो मकर संक्रांति पे 3-4 चीजें कल हुई. एक भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि इस समय जो भी प्राण त्यागेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं 22 दिसंबर तक सूर्य में बिल्कुल पावर नहीं होती है, फिर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ने लगता है. स्पेसिफिकली ऑन 14 जनवरी इफ वी टेक हिंदू कैलेंडर देयर इज अ प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, जिसकी वजह से 14 जनवरी में मोर ये ज्यादा इफेक्टिव होता है सूर्य. अब ये सूर्य धीरे धीरे अपनी ऊर्जा लाएगा, प्रकाश लाएगा. सो यहां से एक नई जर्नी, अ न्यू जर्नी विद लाइट, एक्सपेलिंग द डार्कनेस. सो ये 6 महीने बहुत अच्छे महीने हैं. तो जो हम प्राणिक हीलर्स हैं, हम हमेशा ये चीज इन्वोक कर सकते हैं बार बार,
कॉन्शियसनेस को रेज हाई अप कर सकते हैं कि हम इस उत्तरायण में ही अपना शरीर त्यागे. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. सो दिस वॉज अबाउट मकर संक्रांति. किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. Hi Tushar, Nisha this side. Yes, Nisha. Yeah. So Aditya Hriday, like I'm chanting every day also. So every day I have to chant it 3 times or one time is sufficient? Yeah, only tomorrow we have to chant for 3 times. So see, Aditya Hriday Strotra padhne ka vidhi, isliye aaj maine ye liya hai ki teen baar karoge. Jaise parikrama bhi na har devi devtaon ki ek particular number ki hoti hai. वैसे ही हर चीज की एक नंबर होता है चैंटिंग का. तो आदित्य हृदय को हमें 3 बार पढ़ना है. डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंस, 3 हमारे वो होते हैं लव लाइट पावर गुण होते हैं. तो ये 3 बार पढ़ने से हमारे में ये सब आ जाता है. बट अब एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल. तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आप एक बार पढ़िए एवरी संडे. आप 3 बार जरूर पढ़िए और कल 3 बार पढ़िए. So my all remedies, my all suggestions are very easy and flexible. Right. आप मतलब दुखी हो के 3 बार पढ़ी नहीं सकती, इसलिए एक बार भी ना पढ़ो तो एक बार तो पढ़िए. ओके थैंक यू सो मच. सो ये तो बात हो गई मकर संक्रांति. यस यस सुमित्रा आंटी. यस सुमित्रा जी आदित्य स्त्रोत्र बताया नहीं तुमने. आदित्य स्त्रोत्र की रेलेवेंस बता दी. ये एक चालीसा की तरह होता है आदित्य स्त्रोत्र. ओके यूट्यूब पे थोक के भाव मिल रहे हैं सारी चीजें. आप अपना कोई भी जो मधुर आपको आवाज लगती है. थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि छोटा टाइम ड्यूरेशन हो वो वाला मैं चूज कर लेती हूँ. और बाकी मार्केट में, थैंक यू सरिता जी, मार्केट में मिलती है. आप खुद पढ़ना चाहें तो किताब ले सकते हैं. छोटी सी पुस्तक होती है जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, वैसा ही. ओके सो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल जिनके बच्चे आर एस्पायरिंग टू बिकम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. उसका भी बताऊंगी क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या आपका कहीं काम रुका हुआ है गवर्नमेंट जगह में तो आप आदित्य स्त्रोत्र का चैंटिंग करिए. क्योंकि राम जी ने तो रावण को मार के विजय पाली थी तो हम भी पालेंगे. सो माय सिस्टर हैज शेयर्ड आदित्य हृदय स्त्रोत्र का लिंक. यू कैन यूज दैट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन. तो अब पूरा साल आई एम गोइंग टू टेक द सेशंस और ज्यादा मजा उन्हीं को आएगा ये सेशन समझने में जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की, जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान है और जिन्होंने मुझसे सीखा है तो और आसान है उनके लिए. अब क्यों है आज आप समझोगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा. सो सन, सन द प्लैनेट ऑफ आवर सोल, द प्लैनेट ऑफ आवर लाइफ, आत्मकारक सूर्य, वह अपनी दिशा बदल रहा है, वह अपनी राशि बदल रहा है. सो दिशा से तो वो उत्तरायण की तरफ आ रहा है जो बहुत अच्छा है. बट राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य और शनि में दुश्मनी है. इवन दो वो पिता पुत्र हैं उनमें लड़ाई है. तो राजा अपने नाराज पुत्र के घर में प्रवेश कर रहा है. वेरी बिग इवेंट, वेरी बिग इवेंट. सो सन इज मूविंग फ्रॉम सजिटेरियस टू केप्रिकॉन. ये एक बहुत यूनिक सिचुएशन हो रही है बिकॉज दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों दुश्मन हैं. अब लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है. तो सन, हमने बात करा, सन इज अथॉरिटी, सन इज प्लैनेट ऑफ कंट्री, सन इज प्लैनेट ऑफ किंगडम, किंग, सारा कुछ, राज्य, राज्य देने वाला सूर्य है. ठीक है. अब अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें, काल पुरुष की जब हम कुंडली लेते हैं उसमें 10वां घर होता है. 10वां घर क्या होता है? वो मकर राशि का होता है और वो होता है हमारा करियर का घर, हमारे कर्मों का घर. और सूर्य देव वहां पहुंच रहे हैं. अब सूर्य देव को वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है. क्यों? जब वो 10वें घर में पहुंचते हैं दिन के 12:30-1 बज रहे होते हैं. उस समय सूर्य में सबसे तेज रोशनी होती है.
सुपर हाई, यहाँ पे होता है सूर्य. सो जब सूर्य यहाँ पे होता है दैट इज हाईएस्ट पोजिशन पे होता है. तो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि मकर राशि में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है. तो जिन जिन लोगों के 10th हाउस में मकर राशि का सूर्य होता है दे टेंड टू एंटर गवर्नमेंट जॉब्स, या 10वें घर में सूर्य भी होता है तो उनको सरकारी नौकरी मिलती है. अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनको एज अ किंग टाइप ऑफ स्टेटस मिलता है घर में या फैमिली में या कहीं भी. नाउ ये तो हो गए सूर्य, अब शनि जी को अंडरस्टैंड करते हैं. तो शनि क्या है? शनि हमारे कर्मों का लेखा जोखा वाला प्लैनेट है. नाउ शनि क्या करते हैं? शनि इज ट्राइंग टू बर्न द ईगो. ये जो कल जो सीन हो रहा है, एक सेकेंड क्या लिख रहे हैं, इसमें आया नहीं क्यों. ओके सो जो शनि क्या कर रहे हैं, शनि इज बर्निंग द ईगो. सो इन अ वे जो सूर्य की ईगो बर्न हुई ना, वो अपने नाराज बेटे के घर के अंदर आ रहे हैं उनको मनाने के लिए. तो राजा, राजा इज कमिंग टू प्रजा. सो इट इज अ बिग इवेंट, वो अपना सारा ईगो को छोड़ के. तो ये समय रिलेशनशिप्स का भी है, क्योंकि राजा अपनी ईगो को छोड़ के अपनी प्रजा के पास जाता है. सेम वे वी ऑल कैन ऑल्सो डू दिस. तो कल मकर संक्रांति पे हम सब लोग मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, पतंगे साथ में उड़ाते हैं. लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ दिस. ओके नाउ शनि क्या करते हैं, ईगो को बर्न करते हैं. प्लस शनि इज जज, शनि के लिए सब बराबर है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है. सेम वे सूर्य के लिए भी क्या है, जब सूर्य यहाँ पहुंचते हैं तो सूर्य कभी ये नहीं देखते कि ये मुकेश अंबानी तो इसके घर में ज्यादा रोशनी दे दूं, ये थोड़ा सा गरीब आदमी तो इसके कम दे दूं. सूर्य एक समान रोशनी सबको देते हैं. सो 12:30 बजे हाईएस्ट होते हैं सूर्य. तो ये एक और चीज है. अब हम विद द डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड. सो ये हम काल पुरुष की कुंडली जब बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में 1 से शुरू होती है. सो 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं सूर्य. ओके ये उनका घर होता है, एज मैंने पहले भी स्टोरी में बताया आपको. अब यहां से सूर्य 6 घर पार करके, थानी और बोलना उसको अच्छा लगे दे. सुमित्रा आंटी आपका माइक बंद कर लीजिएगा. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6th हाउस है मकर राशि का, जहां पे सूर्य आ रहे हैं. नाउ इन एस्ट्रोलॉजी जो ये 6th हाउस होता है, इसको बोलते हैं प्रारब्ध का कर्मा, जो कि हमें इस जीवन में चुकाना है उस कर्मा का बोझ. सो इन अ वे लॉर्ड सूर्या 6 घर पार करके अपने कर्मों का कंप्लीशन कर रहे हैं. तो हम लोगों को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पे ले जाना है, हमारी कॉन्शियसनेस को. We have to take it there where we have to leave our ego and we have to move to this 10th house. 10th house is house of karma, house of activity. So, वो हमारे कर्मों का. तो अब जो लोग बहुत सच्चे हैं, बहुत erratics हैं, who are following a discipline, who are following rules, उनको ये वाला transition, ये वाली situation affect नहीं करेगी. नहीं तो यहाँ पे जो शनि देव, और इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यहाँ पे शनि ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपने घर में है शनि, उसके साथ है जुपिटर. अब कल आ जाएंगे सूर्य यहाँ पे, देन मरकरी भी पहुंच चुके हैं. तो पहले हम देखते हैं शनि क्या है, कर्मों का देवता. जुपिटर क्या है, विजडम, गुरुज. सो कर्म और ज्ञान ऑलरेडी वहां पे है.
मरकरी जो पहले पहुंच गए, मरकरी क्या है? बुक ऑफ इंटेलिजेंस। सो ये जो बुक ऑफ इंटेलिजेंस है, ये हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। सोल आ रहा है, सोल कौन है? सूर्य। सूर्य के लिए ऑलरेडी एक किताब पहले से पढ़ी है, मरकरी रूपी, उसको आप पढ़ें। फिर जुपिटर का ज्ञान ले और शनि वाले कर्म करें। Isn't it interesting? A very interesting thing is happening. और कल तो और हो रहा है कि चंद्रमा भी आ रहा है यहाँ पे। So a super situation is being created here tomorrow. So ये जो ये वाला है, तो हमारा सोल आ रहा है 10th हाउस में, मकर राशि में, to face his prarabdh ke consequences. So we all have to be in a situation of gratitude and surrender. So gratitude ke liye kya karenge hum? Daan punya karenge. Aur surrender ke kya liye kya karenge hum? Puja paath karenge. Spiritually, spiritual practices karenge, meditation karenge. Ye sab hum karenge. Aur this was about the whole स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है? अब हर राशि के लिए ये क्या काम करेगा वो आपको मैं बताऊंगी। So, पहली राशि है एरीज, दैट इज मेष राशि। तो अगेन मेष राशि की पत्री कुंडली बिल्कुल काल पुरुष की कुंडली की तरह होती है। काल पुरुष की कुंडली, एज आई टीच इन माई क्लासेस, विष्णु भगवान की कुंडली है, ओके? इसकी बहुत अच्छी पावर है। सो सूर्य, जैसा कि हमने बताया, 12 राशियों में ट्रैवल करता है और अभी इट इज रीचिंग। ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है, उत्तरायण का महत्व आपको बता दिया है, ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। अब मेष राशि का, नाउ अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं इसको मेरे सामने रखती हूं, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड, Fifth Lord is coming to 10th house. Fifth Lord Surya is coming to 10th house. So very good time for Mesh Rashi wale log, kyunki aapka career, jo ye career ka ghar hai, isme aa rahe hain Surya Bhagwan, to aapka career bahut high pe jayega. Aapke bosses, un sab ke saath bahut acha. बट रिमेंबर वन थिंग, वहां पे ऑलरेडी शनि और गुरु पड़े हैं जो सूर्य की दृष्टि से अस्त हो रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी राइटियस। Tushar, you are frozen.
What happened? Hello all, please wait. She'll just log in back. So sorry, internet issues हो गए हैं. I think क्या हुआ है? इंटरनेट इश्यू हो गए हैं शायद, तो कोई पतंग ने काट दिया, दिख रहा है तार या पता नहीं क्या हुआ है. Anyways, am I audible to everybody? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Movie recorder. So let us again share the screen. Audible and visible, beautiful. Okay, thank you. Was that Kalpantika? Aur kaun hoga yaar? सो अब हमने मेष राशि की बात करी. मेष राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि उनके करियर में नेक्स्ट लेवल दे कैन रीच. मैम, आर दीस राशिज लूनर और अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ? दीस आर आवर चंद्र राशि. ओके, हमारे चंद्रमा के हिसाब से जो हमारी नाम राशि है चंद्र राशि. आई थिंक आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे शायद. थैंक्स. तो चलो अभी आप ये दिख रहा है आपको डायग्राम? नहीं, आप भी दिख रहे हैं, डायग्राम भी दिख रहा है. ओके ग्रेट. सो मैं अपने आप को नहीं दिख रही. सो अब नेक्स्ट राशि आती है वृषभ राशि. सो मैं तीन चार राशियों का ऐसा डायग्राम बता दूंगी, मे बी बाकी आप समझ पाएंगे. सो हियर फॉर वृषभ राशि, टॉरस के लिए क्या हो रहा है? फिफ्थ लॉर्ड, a fourth lord, that is surya, is coming to the destiny house. ab jisne jyotish padha hai usko samajh mein aa raha hoga, jisne nahi padha usko ye layman language mein, it is a very good time for taurus. vrishabh rashi walon ke liye acha samay hai. kyun? kyunki unke bhagya ke ghar mein surya aa raha hai. theek hai, ab kharab kya hoga ki unka jo ye fourth house hai उसमें प्रॉब्लम हो सकती. जो ये भाग्य का घर है इसमें ऑलरेडी शनि और गुरु, रिमेम्बर शनि और गुरु पड़े हैं, तो शनि क्या करेगा, फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है. बट बाकी सुख के घर का लॉर्ड इसमें आया तो आपके भाग्य से आपके सुख बढ़ेंगे. तो सुख क्या हो गए, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपकी फैमिली, इन सब में अच्छा होगा. ध्यान क्या रखना है, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है. और थोड़ा सा अब सारी राशियों के लिए वन रूल एप्लीकेबल है, बार बार मैं नहीं रिपीट करना चाहूंगी. वी हैव टू बी वेरी राइटियस क्योंकि शनि देव बैठे हैं. शनि इज हियर टू, शनि के साथ आ गए सूर्य. सूर्य कौन हो गए, किंग. तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो सही करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगी. ये सबके लिए लागू है, सारी राशियों के लिए. अब फर्क क्या है कि जैसे वृषभ राशि है उसको फायदा है अभी क्योंकि उसके डेस्टिनी हाउस में ये सारा काम हो रहा है, तो भाग्य उसके साथ है. तो वृषभ राशि के लिए अच्छा टाइम है. अब नेक्स्ट राशि आ गई अपना, आई थिंक पूरा मिटाना ही पड़ेगा. सो प्लीज बी पेशेंट. देन आ गई अपनी मिथुन राशि. अब मिथुन राशि के लिए क्या हुआ, मिथुन राशि के लिए दिस सूर्य हैज मूव्ड फ्रॉम द थर्ड हाउस. देख रहे हैं आप, थर्ड हाउस जो कि उसका एफर्ट्स का घर है, उसका लॉर्ड चला गया इन द एट्थ हाउस. सो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय थोड़ा सा टफ है क्योंकि आप देखें चार ग्रह यहाँ पे, शनि, गुरु,
सूर्य बुध और फिर 28 जनवरी को शुक्र भी आ जाएगा। हाँ, वृषभ राशि के लिए एक चीज मैं आपको बताने भूल गई, क्योंकि मैं सारे प्लैनेट्स का बता रही हूँ। तो 28 जनवरी को वीनस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सैजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ राशि के लिए अभी वीनस उनके आठवें घर में, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज उनको है। बाकी इतने दिन उनको हेल्थ इश्यूज थे क्योंकि सूर्य आठवें घर में था, अभी सूर्य उनके भाग्य के घर में आ रहा है, तो सूर्य तो हेल्प करेगा। वीनस थोड़ा सा है, 28 जैन राउंड द कॉर्नर है, 28 जैन टू 14th फेब बहुत अच्छा टाइम है फॉर वृषभ राशि, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी अबंडेंस। अब हमारे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये गड़बड़ मामला हो गया, क्योंकि 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एक जगह उनको रिलीफ होगी कि जो हमारे ज्योतिष में हम जब बोलते हैं कि जब पाप ग्रह, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है पाप ग्रह होता है, सूर्य पाप ग्रह कहलाता है, वह जब आठवें घर में आता है तो विपरीत राजयोग बनता है। सो आपका 14th फेब तक थोड़ा सा आपको रिलीफ हो सकता है, प्रोवाइडेड यू आर वेरी केयरफुल, हेल्थ को ध्यान में रखिए, आपके करियर को ध्यान में रखिए, और जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको फायदा है क्योंकि ये इंश्योरेंस का घर है। जो कम्युनिकेशन फील्ड में है क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, उनको फायदा है। और क्या है इसमें, सो देन तो जेमिनी वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, और जो मेडिकल लाइन में है उनके लिए भी ठीक है क्योंकि 8th हाउस मेडिसिन का भी घर है, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा रिलीफ है। देन लेट अस मूव टू, सो अगर आप ज्योतिष सीख लेते हैं तो आपको ये ऐसा हर महीने समझ में आएगा कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो वो आपके लिए क्या कमाल होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या कमाल होता है। अब है ये कर्क राशि। अब कर्क राशि में हम देख रहे हैं द सेकेंड लॉर्ड हैज कम टू द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है, सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का है, हमारे बिजनेस डीलिंग्स का है, इन सब जगह का ये है जगह। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है, पब्लिक डीलिंग्स, घर में सारी जगह अपने को ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इश्यू ना हो। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज द सूर्य इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव गुड बिजनेस डीलिंग्स। सो बट वन थिंग, एक और चीज होती है एस्पेक्ट। सो सेवेंथ हाउस से दिस सूर्य इज एस्पेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, तो गुस्सा बहुत आ सकता है अभी कर्क राशि वालों को। सो यू हैव टू मैनेज योर एंगर, ओके, अपना ईगो को मैनेज कीजिए, अपने एंगर को मैनेज कीजिए, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम बिकॉज सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ स्पीच। उसका लॉर्ड सेवेंथ हाउस भी क्या है, फैमिली का है। थोड़ा सा अपनी वाणी को सही रखिए बिकॉज वाणी गड़बड़ हो सकती है सूर्य की वजह से, सो जस्ट बी केयरफुल। देन एक और चीज होती है, जब सातवें में सूर्य, अदरवाइज जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जब सातवें घर में सूर्य आ जाता है वो पति पत्नी में मतभेद क्रिएट करता है। इसके दो रीजंस है। वन रीजन इज कि सूर्य जिस घर में बैठ जाता है उस घर को जला भी देता है, क्योंकि रिमेम्बर कितनी हीट होती है सूर्य में, कि संज्ञा उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह पाई थी, तो वैसे ही सूर्य कहीं कहीं ऐसा काम करता है, तो ऑब्वियसली पति के साथ पत्नी कैसे रहेगी। तो एक तो ये रीजन, एक सूर्य रोशनी कर देता है हर घर में, तो पति पत्नी के जो मतभेद है उनको भी वो समाज में उजागर कर देता है, तो इन अ वे लड़ाई आपकी सारे जमाने में पहुंच जाती है, क्योंकि जब डिवोर्स होगा तो जमाने में लड़ाई पहुंचेगी। सो सूर्य का ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं है, ओके। देन सूर्य गोज टू हिज ओन, अब आ गई सिंह राशि जो कि सूर्य की खुद की राशि है। अब सिंह राशि के लिए ये ओकेश टाइम है, इट्स अ मिक्स्ड टाइम।
सो लेट अस टॉक कि अच्छा क्या हो रहा है कि उनका फर्स्ट लॉट इज कमिंग इन द कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. टेक अ लुक एट द हेल्प सेक्शन इन योर एलेक्सा ऐप. सो वेयर वाज आई. यस, जो सिंह राशि के लिए उनका पर्सनालिटी फर्स्ट लॉट हैज कम टू द सिक्स्थ हाउस. नाउ सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है हाउस ऑफ एनिमीज. तो यहाँ पे उनके लिए अगेन पापी ग्रह क्या होता है? लड़ने वाला होता है. तो यहाँ जितने दुश्मन खत्म. सो शत्रु हमता योग बन रहा है फिफ्थ हाउस के लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए. तो जब आपकी पत्री में भी अगर छठा सूर्य पड़ा हो तो इवन दो छठा सूर्य क्या है, सिक्स्थ हाउस क्या है, हाउस ऑफ डिजीजेस एंड ऋण एंड डेट्स एंड, बट यहाँ पे सूर्य अच्छा काम करता है क्योंकि सूर्य राजा है. राजा सारे शत्रुओं को मार देता है, सारे लोन्स सब खत्म कर देता है, सारे ऋण विण सब खत्म कर देता है. एंड दिस इज अ हाउस ऑफ योर पास्ट लाइफ आल्सो. हमारे प्रारब्ध का, पिछले जन्मों के नॉट सो गुड कर्मा का घर है. सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिंह राशि वाले लोगों को अगेन राइटियस तो रहना ही है. ठीक है, देन दृष्टियों की मैं आज ज्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक घंटा हो चुका है. नाउ लेट अस टेक कन्या राशि. अब कन्या राशि के लिए क्या हो रहा है? कन्या राशि के लिए ट्वेल्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर का, व्यय का. ट्वेल्थ लॉर्ड सूर्य इज कमिंग इन फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस क्या है? हमारे बच्चों का घर है. तो कन्या राशि वाले लोगों को अपने बच्चों की हेल्थ के लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि व्यय क्या होता है? एक्सपेंडिचर, यू नो, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं उनके. ये घर हमारा हेल्थ इश्यूज का भी घर है. बट अच्छी बात क्या है, और जो भी कन्या राशि वाले लोग हैं, इफ दे आर वॉन्टिंग फॉर टू गो फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इट्स अ गुड टाइम फॉर देम. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. इवन शेयर मार्केट में, इट्स अ गुड टाइम. अगेन यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, अपना ध्यान रखना है. सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रैश डिसीजन. ये सारे ही लोगों के लिए वैलिड है वैसे तो, किसी को भी रैश डिसीजन नहीं लेना है. सो फॉर वर्गो अच्छा टाइम है. ओनली थिंग, यू हैव टू बी केयरफुल रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन. दे कैन हैव सम हेल्थ इश्यूज क्योंकि ये व्यय भाव का मालिक यहाँ पे आया है. और ट्वेल्थ हाउस क्या है? एक्सपेंडिचर कराता है हमारा कोर्ट केसेस पे या हमारे हेल्थ. ओके, देन कम्स अपना तुला राशि. सो तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए भी इन अ वे अच्छा टाइम है क्योंकि उनका 11th हाउस, 11th हाउस क्या है? हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ प्रॉफिट्स का लॉर्ड आ गया फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस क्या है? सुख का घर, सुख सुविधाओं का घर, सुख का घर. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तुला राशि को अपने मदर की हेल्थ के रिलेटेड ध्यान रखना है क्योंकि रिमेम्बर शनि देव वहां पे है. तो शनि आपकी माँ की सेहत को खराब कर सकते हैं और आपके घर में भी थोड़ा सा कलह का वातावरण कर सकते हैं. बट अच्छी बात क्या है, जो सूर्य यहाँ पहुंचे और जो बुध भी यहाँ पड़े हैं और जो शुक्र आने वाले हैं ऑन 28 जनवरी, वो हमारे लाइफ में सुख सुविधाओं में अच्छा करेंगे. तो भी अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है तो अच्छा योग बन रहा है, घर खरीदना है तो अच्छा योग बन रहा है. एंड 10th हाउस को देख रहे हैं, हाउस ऑफ करियर. सो करियर की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट दैट हमें मेहनत करनी है. बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है. कई बार ऐसे योग बनते हैं लोगों के, वो अगेन कभी बात करेंगे, जब बिना मेहनत चीजें मिलती है उनको. तो जैसे ये 11th हाउस है ना, ये बिना मेहनत के आपको चीजें दिलाता है. बट ये जो 4th हाउस में शनि जी आ गए, ये मेहनत कराएंगे आपसे, राइटियस रखेंगे आपको. ठीक है, सो तुला राशि के लिए अच्छा है
तो जो प्रॉपर्टी वाले उसमें काम करते हैं तो उनके भी अभी जमीनों के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ व्हीकल्स एंड सुख का घर है, तो ऑफकोर्स सुख पे थोड़ा बढ़ोतरी होगी. सिर्फ माँ के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है और आपके थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है, तो हमें क्या रखना है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड सरेंडर वाले मोड में. नाउ लेट अस कम टू वृश्चिक राशि. अब वृश्चिक राशि के लिए क्या हो रहा है, वृश्चिक राशि का 10th लॉर्ड, 10वां घर is coming into the third house. 10th lord is coming to the third house. Third house again क्या है? Third house हमारा short distance travel है, हमारा efforts का है. तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, इन लोगों को बहुत अभी travel करना है, बहुत सारा travel. तो travel ज़्यादा work related. So अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि travel करो, please go ahead. नहीं तो आपको कुछ गलत वजह से ट्रैवल करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि हम अच्छी वजह से ट्रैवल करें, अपने काम की वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में जाएं. देन आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग हो सकता है, बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकता है. देन आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है. प्लस दिस सूर्य इज सीइंग योर डेस्टिनी हाउस ऑल्सो. सो अगेन जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए गुड टाइम है. धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हो, क्योंकि 9th हाउस क्या है, 9th हाउस हमारे स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज का भी घर है. तो जो वृषभ राशि वाले लोग थे वह भी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके सूर्य 9th हाउस में आ रहे हैं. यहाँ सूर्य की 9वें घर पे दृष्टि है. सो वृश्चिक राशि के लिए अगेन ठीक ठाक टाइम है, नॉट बैड नॉट गुड. देन आती है अपनी धनु राशि, सजिटेरियस. अब सैजिटेरियस के लिए क्या हो रहा है, सैजिटेरियस के लिए हो रहा है डेस्टिनी का घर का लॉर्ड इज गोइंग इनटू योर सेकंड हाउस. ये घर भी बहुत अच्छा, सेकंड हाउस भी अच्छा. ऑल्दो सूर्य का सेकंड हाउस में अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि सूर्य ये तीन चीजें इंडिकेट करता है सेकंड हाउस, आर वेल्थ, आर फैमिली, हमारी वाणी. तो वाणी को सूर्य खराब कर देता है, क्योंकि कर्कश कर देता है, हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और हमारी वेल्थ को भी थोड़ा सा वेल्थ अक्यूमुलेशन तो बहुत होता है, बट वो खर्च भी होता है, यू नो, सूर्य जलाने लगता है. तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल. बट भाग्य का लॉर्ड, तो भाग्य आपके साथ है, भाग्य से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं. तो ये जो तीनों चीजें जिसमें मैंने कहा सूर्य गड़बड़ कर रहा है, उन तीनों चीजों में फायदा भी करेगा. सो इट इज वेरी, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी. सो वी हैव टू बी राइटियस. जो सही है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. तो ये जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है. जो धार्मिक प्रवृत्तियों में है, हुएवर आर इन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 9th हाउस इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी. अब आ जाती है हमारी प्यारी मकर राशि. सो उसका काम उसको अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि मकर राशि में अभी बहुत सारा बवाल चल रहा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. आई विल गिव 2-3 मिनट्स टू मकर राशि, बिकॉज फर्स्टली मकर राशि की 7:30 चल रही है. Secondly, 10, 11, 12, यहां वाला आ गया, sorry. Secondly, 7:30 ही चल रही है, और secondly, इतने सारे planets, कल के दिन में 5 planets होंगे, end of this month, शुक्र भी आ जाएगा, although चंद्रमा चला जाएगा, तो बहुत सारे planets, काफी सारे दुश्मन, काफी सारे दोस्त. पहले दुश्मन ले ले, सूर्य शनि दुश्मन, नॉट सो गुड टाइम. बट सिंस यहाँ जुपिटर प्लेस्ड है, ऑल्दो वो नीच का गुरु है, बट सूर्य, क्योंकि जुपिटर क्या है, देवों का देव है. हम यहाँ लिख देते हैं, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, सूर्य भी आ जाता है, कल चंद्रमा भी है और मरकरी भी है.
तो सूर्य और बुध का बन गया बुधादित्य योग। अब जो सूर्य यहाँ आए हैं वो जो गुरु है, जुपिटर क्या है, देवों के गुरु, तो सूर्य उनका सम्मान करते हैं, इसलिए सूर्य थोड़ा सा ये जो जुपिटर है ऑल्दो इसमें पावर कम है आपको बचाएगा, अदरवाइज इट इज अ वेरी टफ टाइम फॉर यू पीपल, सो बी केयरफुल, क्योंकि आपके जो पर्सनालिटी में इतने सारे ग्रह आ गए, तो सूर्य भी गुस्सा दिलाने वाला हो गया और शनि आपको यहाँ पे कर्माधिपति है शनि, तो आपको कर्मों का लेखा जोखा होने वाला है। सो आप अपना राइटियस रहिए, ध्यान रखिए, कल खूब सारा दान पुण्य करिए, स्पेशली शनि रिलेटेड, तो क्या हो गया, वुलन आइटम्स, तेल, एंड अगेन बी राइटियस, जुपिटर इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू टिल दिस 14th ऑफ जनवरी और मे बी टिल अप्रैल में ये शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है जुपिटर, ऑल्दो वर्ल्ड के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी जुपिटर जो नीच का है वो बैड हेल्थ क्रिएट करता है पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए, वो जुपिटर जब एक्वेरियस में 5th of April को जाएगा, अगेन आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट, इट विल काइंड ऑफ ब्रिंग इन रिलीफ। ओके, सो मकर राशि वाले लोग डरना तो है ही नहीं हमें, ज्यादातर लोग प्राणी खिलास है, सो हमारे साथ गुरु है, गुरु, सो जुपिटर उन लोगों के लिए भी फायदा करता है जिनके जीवन में गुरु है, अगर गुरु नहीं है आपके पास तो शिव जी की आराधना कीजिए, जो लोग शिव जी की आराधना करेंगे और आदित्य हृदय स्त्रोत्र गायत्री मंत्र ये सब कुछ करेंगे, तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 का फेस इतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा। नाउ लेट अस मूव टू कुंभ राशि। सो कुंभ राशि के लिए क्या हो रहा है, और मकर राशि के लिए एक और प्रॉब्लम हुई जो मैं आपको बताना भूल गई कि 8th हाउस का लॉर्ड पर्सनालिटी में गया, सो 8th हाउस क्या हो गया, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीजेस, सो थोड़ा सा नॉट सो गुड टाइम्स है टिल 14th of February, फिर आपका सूर्य आगे चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य मेनली आरोग्यता का कारक है, वाइटलिटी, गुड हेल्थ, हार्ट प्रॉब्लम्स, आईसाइट, बोन्स, तो जिन जिन के जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है उनको ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लो सेल्फ एस्टीम, तो मकर राशि वालों के लिए लो सेल्फ एस्टीम का भी टाइम हो सकता है। नाउ एक्वेरियस के लिए क्या हुआ, 7th लॉर्ड has gone to your 12th house. 12th house क्या है, व्यय का घर, expenditure का घर, 7th house क्या है, पत्नी का घर, partner का घर, तो partner से लड़ाई हो सकती है, partner की mainly health issues हो सकते हैं, क्योंकि ये घर क्या कराता है, health से related खर्चा कराता है, so be careful related to health of your partner, और again import export वालों के लिए अच्छा time, foreign related फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, फॉरेन एजुकेशन के लिए अच्छा है, फॉरेन रिलेटेड ठीक है, बट थोड़ा सा हमारी इनकम वेल्थ को लेके हमें केयरफुल होना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का, व्यय का टाइम आ गया है। ओके, सो एक्वेरियस के लिए भी अच्छा टाइम ज्यादा नहीं है, और एक्वेरियस की भी एज यू नो 7.5 चल रही है। अब आ गई हमारी लास्ट राशि, दैट इज पाइसेस। पाइसेस का सुपर गुड टाइम्स है, बिकॉज द 6th लॉर्ड इज गोइंग टू योर 11th हाउस। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ किया है क्या कुछ, या डायग्राम थोड़ा टिल्ट हो गया। 5th लॉर्ड इज गोइंग टू योर 11th हाउस, 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, और 5th हाउस में भी क्या होता है, शत्रुहंता योग क्रिएट करते हैं सूर्यदेव,
फिर उन शत्रुओं को मार पीट के सब करके आपको बहुत सारा गेन्स, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारे अबंडेंस. देन 11th हाउस इज हाउस ऑफ सोशल सर्कल, 11th हाउस इज हाउस ऑफ फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स की वजह से आपको खूब सारा गेन हो सकता है, आपके सोशल सर्कल की वजह से आपको फायदा हो सकता है, या यू कैन हैव गुड टाइम्स विद ऑल ऑफ दीज पीपल. Only one thing you have to be careful, क्योंकि ये fifth, sixth lord है, sixth house हमारे loans का भी घर होता है. So या तो आप अपना loan ले लीजिए कोई काम करने के लिए, business deal के लिए, नहीं तो शायद हमें loan लेना पड़ सकता है because of some problem. But it's very short time, but sometimes होता है ऐसा, कई बार कई लोगों के लिए हो सकता है. तो जो लाइजनिंग में, क्योंकि ये घर लाइजनिंग का भी है, प्रॉपर्टी डीलिंग में, लाइजनिंग में, कंसल्टेंसी में, उन लोगों के लिए भी ये अच्छा टाइम है, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस घर की दृष्टि फिफ्थ हाउस पे पड़ रही है, जो विद्यार्थियों का घर है, पढ़ाई का घर है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट ऑल द राशिस. अब किसी को कुछ पूछना है तो आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस. सो Tushar, hi, Nisha again. Yes. My question is, one is related to, again, this Aditya Hriday. Usko kabhi bhi kar sakte hain, ya aisa kuch hota hai ki 12 baje se pehle hi chant karna chahiye? To 12 baje se pehle kyun chant karna chahiye? Hame surya ki wo roshni chahiye, jo subah subah hai, very early in the morning. Okay. फिर तो वो क्या होगा कि वो rays गड़बड़ हो जाएगी, infrared, red rays हो जाएंगी, और but अगेन नहीं से अच्छा है कभी भी कर लीजिए, ठीक है. सो व्हाट आई डू द मोमेंट आई गेट अप इन मॉर्निंग, उठते से ही आई गो एंड सूर्य भगवान के सामने जाके प्रणाम और तीन गायत्री मंत्र पढ़ लेती हूँ मैं, ताकि मैं चार्ज अप हो जाऊं. तो सुबह सुबह हमें अगर साइंटिफिकली ले तो विटामिन डी मिल जाती है, हमें बस 5-10 मिनट ही रुकना है सूर्य के सामने, ज्यादा रुकते ही तो सूर्य भगवान रिमेंबर जलाने वाली भी उनमें होती है एट्रीब्यूट. सो गायत्री मंत्र का चैंटिंग करेंगे, उतनी देर में हमें वो सूर्य की वाइब्रेशंस एनर्जी भी मिल जाएगी. देन अपना नहाना धोना करके आदित्य हृदय स्त्रोत्र के लिए ऑफकोर्स यू हैव टू टेक बाथ एंड डू इट बिकॉज इट्स अ देन अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज अभी जो आपने जितना राशियों का बताया ये जनरलाइज राशियां हैं राइट, और इसके इसके इफेक्ट्स और जो इंडिविजुअल अपने होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं. हाँ, क्यों डिफरेंट होते हैं वो आपको बता देती हूँ. तो देखिए ब्रॉडर प्रस्पेक्ट में ऐसा सबके साथ होगा, ठीक है. अब डिफरेंट किसके होगा कि अगर आपकी ओरिजिनल पत्री में मान लो सूर्य नीच का पड़ा है और अभी आपके पाइसे आपकी मीन राशि है बट आपका सूर्य तो नीच का पड़ा है आपकी पत्री में, तो उसमें पावर कम है. आपके महादशा कोई गलत चल रही है, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपके शनि की महादशा चल रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पावर कम होगी. तो ये पैरामीटर्स हैं, बट जो ये मैंने बताया है ये 60% काम करेगा, 100% ये सारे पैरामीटर्स भी हमें देखने पड़ेंगे. इसीलिए आई कीप सेइंग डू द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लाइफ. एंड हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि ये टाइम खराब है, अभी हमें हार्श डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, रुक जाइए, 14 February के बाद ले लेंगे. राइट, इट्स लाइक दैट. अच्छा, तो एक चीज और लास्ट बताइए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता और ये जितना इनमें पढ़ो वो उतना ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है ना, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं सुनते और बिल्कुल ही नहीं मानते, तो क्या उनपे इफेक्ट नहीं होता? देखो इफेक्ट तो सब पे होता है, एज आई टोल्ड यू सूर्य रोशनी सबको देता है, हम बात सूर्य की ही कर रहे हैं, वो माने वो ना माने, उन्होंने काला चश्मा पहन लिया, उन्होंने अपने घर को बंद कर लिया, तो क्या हो गया अगर मैं अभी अपने सारे विंडोज को बंद कर दूं, सारी लाइट्स को ऑफ कर दूं और फिर मैं कहूं सूर्य कुछ नहीं होता है, सूर्य की रोशनी कुछ नहीं होती है, बिकॉज आई एम इन डार्कनेस. व्हेन आई विल ओपन द विंडो आई विल सी द सूर्य, सूर्य तो वही है. तो ये शास्त्र है, ये साइंस है, ये है. अब अगेन उनकी पत्रियों में योग होगा ऐसा कि वो मानते नहीं है ये सब, और अगेन ऐसा समय भी उनके जीवन में आएगा वो मानने भी लगेंगे. डोंट वरी,
क्योंकि उनके ना कहने कह देने भर से क्या सूर्य नहीं है, क्या चंद्रमा नहीं है, सोलर सिस्टम यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्स में पूरा सोलर सिस्टम चक्र के रूप में हमारी बॉडी में है. राइट. तो अब माने नहीं माने वो उनकी बात है, तो मानते. अब जैसे आपके सामने, अब मैं अभी आपके सामने स्पेनिश बोलने लग जाऊं तो आप कैसे समझेंगे? अगर मुझे स्पेनिश, आपको स्पेनिश आती होगी तो आप मेरी बात समझ जाएंगे. तो हर किसी को, एंड वी शुड नॉट फोर्स पीपल, यू नो, जब उनका समय आएगा वो ज्ञान ले लेंगे. थैंक यू सो मच. Welcome. Anybody has a question or shall we close the session? Yeah, I want to know what is the Makar Rashi ke akshar kaun se hain? Makar Rashi ke ga? Nahi. Ga ga gi ja ja ji. Ma ga to Kumbh Rashi mein aata hai na? Ha, so Sumitra aunty bol rahe hai na? Nahi, Lata bol rahi hu. Lata, sune. So Lata, aap meri advance of astrology class mein aaiye. क्योंकि हर बिकॉज़ द ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, 22 डेज. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. एनीवेज लेट इट बी. आई डू गिव रिकॉर्डिंग्स, बट छोड़े उसको, छोड़े. हर राशि के पास चार नक्षत्र होते हैं, ओके. और वो चार नक्षत्र के ये शब्द होते हैं, ठीक है. तो जब मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर चला जाता है तो वहां भी ग गागी आ जाता है. आपको सब मिल जाएगा. तो और मेरा आज का स्टार्टिंग का क्लास मिस हुआ है, आज का स्टार्टिंग का, बिकॉज यू नो द वाईफाई नहीं था, करेंट चले गया था मेरे यहाँ पे. रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबको मिलेगी, डोंट वरी. ओके, एंड व्हाट यू सजेस्ट, लाइक मैं, एक सेकेंड शारदा जी, इनकी बात कंप्लीट कर ले. मुझे मेरी कुंडली पर्सनली आपके साथ डिस्कस करनी है, कब करूं? गिव मी टाइम, अपने बात करते हैं, ठीक है. करते हैं, सारे जो बीइंग्स हमारी मदद करने आए उनको थैंक यू बोल देते हैं, फिर आई विल टेक द क्वेश्चन ताकि जिसको जाना है वो चले जाए, ठीक है. हैंड्स ऑन योर हार्ट, सेंटर योर सेल्फ. Thank you to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Koksui, His Guru, Lord Mahaguruji Meiling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Lakshmi, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Angels of Astrology, Angels of Internet, Angels of Learning. Thank you all for being present here. Thank you for helping us understand these topics. Thank you, Lord Surya, for helping us understand the relevance of Makar Sankranti. Thank you, all the beings. Thank you for blessing all of us with a lot of prosperity, abundance, happiness, joy, good luck energies. May we all be filled with a lot of spirituality, divine intelligence, divine protection, divine mercy, and divine guidance. Thank you in full faith. Thank you, angels of internet, for helping us complete the session. Thank you. Inhale the blessings, share it with your family members. And I share with all of you. God's blessings be with you. May Lord Surya expel the darkness of your life and bring in the light in your life. Thank you. Thank you. Now I'm ready for the question. कहीं से कोई भी question पूछ ले. हाँ शारदा जी, अब बताएं आपका question. मैम वो 7, 8, 9 screenshot. शारदा जी वो आपको मैं personally भेजूंगी, क्योंकि मेरा जिस laptop में वो सारी slides थी internet की वजह से वो मैंने बंद कर दिया. Okay. तो I am in this iPad में वो slides नहीं है. I'll share it with you. Don't worry. Okay. मैम आपके साथ personally कब बात कर सकते हैं? कौन सा time? I will get back to you, Sharda ji. थोड़ा सा मेरा वास्तु क्लासेस चल रही है, तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, but I will get back to you. Okay. Yes. Anybody has a question, or shall we close it? Tushar. Yes. Hi, Paras. हाँ जी Paras.
तुषार, मैं ये पूछ रही थी कि ना जो अपन को दान देना है तो उसका तो कोई टाइम नहीं है ना, कल वी कैन डू इट द एंटायर डे, या उसमें भी कोई टाइमिंग है कल के लिए? वैसे तो दान का कोई टाइम नहीं है, यूं तो पूरे दिन करें, पूरा दिन ही कल शुभ है, पर मैंने एक स्लाइड में टाइम, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो सर्वोत्तम टाइम, लाइक मैं भी जब ये ज्योतिष और प्राणिक हीलिंग और ये नहीं समझ रही थी तो मैं भी यही सोचती थी कि कभी भी करो यार, व्हाट इज द बिग डील, ये सब ऑर्थोडॉक्सी है. बट नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड प्राणिक हीलिंग, आई अंडरस्टैंड दिस एनर्जी. आपने भी पारस प्राणिक हीलिंग किया है ना, तो एक पुण्य काल होता है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है उसका टाइम. सो उसमें करे तो बेस्ट है, बट अगर नहीं कर सके तो पूरा दिन है कल, बहुत अच्छा. सो एनी अदर क्वेश्चन और बाय बाय फॉर नाउ. नमस्ते जी. नमस्ते. लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. थैंक यू अनुभा, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच दी. दी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे हम उस टाइम में निकाल कर और फिर दिन के किसी भी टाइम देते, संकल्प है ना? संकल्प से सब सिद्ध है. यस पारस मनी, आपको जवाब मिल सकता है, संकल्प से सब सिद्ध है. तो आप उस समय संकल्प कर लें, चीजों को अलग रख लें. तो जैसे अब हम 14 चीजें बांटते हैं हर साल, तो मेरा तो भाई आई एम थोड़ा सा लेजी पर्सन, तो 15 दिन निकल जाते हैं वो पहुंचाने में. संकल्प कर लेते हैं, आप सेट असाइड कर सकते हो. हाँ हाँ, वी कैन सेट असाइड एंड वी कैन जस्ट से कि हाँ ये हमने उसके लिए कर दिया है. हम लोग भी जैसे नहाकर वो निकाल कर सबका हाथ लगवा कर रख देते हैं, फिर उसके बाद जब भी मतलब सूटेबल पर्सन जो भी मेरा कर देते हैं. मैम एक चीज और पूछनी है कि जैसे तिल और गुड़ नहीं लेकर आए तो हम उनके निमित्त पैसे निकाल दें और फिर बाद में लाके दे दें? कुछ भी जो मन करे, जो मन को अच्छा वो सबसे अच्छा. और एक बच्चों के नाम करने की, देखो करने की ललक इज द मोस्ट थिंग, बिग थिंग ना, सबसे बड़ी बात है ये. नहीं, आप और चाह रहे हैं करना, बच्चों के निमित्त जैसे निकालना है तो बच्चे नहीं निकालते तो हम उनके निमित्त निकाल दें? ऑफ कोर्स, माँ बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है. आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ भी कर सकती है माँ. क्योंकि मेरे बेटे का जैसे 10th है, मकर ही उसका लगन है, तो मैं उसके निमित्त कर सकती हूँ ना. और राशि क्या है उसकी? राशि उसकी पाइसेस. बढ़िया टाइम है, चील करो, ही विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, डोंट वरी. ओके, शादी करनी है उसकी. शादी भी हो जाएगी. सेम योर मैम, कुंभ राशि है, अदरवाइज ही इज लिब्रा. तुला राशि का ओके ही है, क्योंकि ढैया चल रहा है शनि का, तो शनि है. पर तुला राशि का बहुत अच्छा, शादी का टाइम अप्रैल से आ रहा है, 5th of April onwards. और मीन राशि का मैम? मीन राशि का ऑन है. ऑन है, चलिए थैंक यू. टिल नवंबर ऑन है शादी का, और आगे भी है शायद एक साल और. ओके थैंक यू मैम. ओके सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू मैम, इट वाज रियली गुड. थैंक यू. सो आई एम एंडिंग द सेशन. थैंक यू. आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते. थैंक यू तुषार जी. वेलकम. थैंक यू.